सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी प्ले स्टोर में कोई भी रिडीम कोड को रिडीम करने का ट्राई करते हो, लेकिन जब भी अपना रिडीम कोड डालते हो उसके बाद जब आप एंटर या फिर ओके पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक एरर आ जाता है, एरर रिडीमिंग कोड, एरर कोड PRS GCRPM01। आगे यहाँ पर लर्न मोड भी दिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम आ चुके तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस रहने वाला है, बस आपको क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसे आप वीडियो को एंड तक देखोगे जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कोई ना कोई आपके फोन में वर्क कर जाएगा और आप रिडीम कोड को इजीली रिडीम कर पाओगे। चलिए गाइस जान लेते हैं इस प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। चलिए गाइस जान लेते हैं इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना होगा। इसके लिए गाइस हमें क्या करना है, जो आपने रिडीम कोड डाला था उसे आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं वो रिडीम कोड अनवैलिड तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने रिडीम कोड गलत डाल दिया हो, एक दो वर्ड आगे पीछे हो गया, फिर आपने डाला ही ना हो। ठीक है, पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है, उसके बाद हमें चेक करना है कि रिडीम कोड वर्किंग है भी या नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि किसी बंदे ने आपके साथ फेक मतलब कर दिया हो, कि आपको कोई फेक रिडीम कोड दे दिया हो जिसमें कुछ पैसे वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ऐसी नंबर दे दिया आपको जो कि आप यहाँ पर रिडीम करने का ट्राई करें तो रिडीम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एकदम वैलिड रिडीम कोड चाहिए तभी आप उसे रिडीम कर पाओगे। और अगर आपने एकदम अच्छे से रिडीम कोड आपका वैलिड भी आपने अच्छी तरह चेक भी कर लिया है फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता देता हूँ हमें सेकंड काम क्या करना है। इसके लिए आप सिंपल सा फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। फोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, उसके बाद ऐप्स में आ जाना है। ऐप्स में आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ओपन हो रहा है, उसके बाद मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर देना है। कुछ फ़ोन में ऐप्स और ऐप्स मैनेजमेंट भी होता है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर को, या फिर हम सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर को। यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर आ चुका है। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको नीचे मिलता है क्लियर डाटा, यहाँ पर आइए और सबसे पहले क्लियर कैच कर दीजिए। जैसे आप क्लियर कैच कर दोगे उसके बाद हमें क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा भी कर देना होगा। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा कर दोगे आपको जस्ट बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर में बहुत सारी परमिशन वगैरह जो शुरू शुरू में देनी पड़ती है सब दे के, हो सकता है कि आपको अपनी आईडी भी लॉगिन करनी पड़ जाए। जैसे आप कर लोगे उसके बाद हमें क्या करना है, रिडीम कोड को दोबारा से रिडीम करने का ट्राई करना है, इजीली रिडीम कोड को रिडीम कर पाओगे। हो सकता है तो जो आपकी ईमेल एड्रेस अभी प्ले स्टोर में आपने सेलेक्ट करी है उसे बदल के देखिएगा, हो सकता है कि किसी भी ईमेल आईडी में रिडीम कोड वगैरह लग जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये काम करके देख लेना है। अगर आपने ये भी काम कर लिया है, और कोई सोल्यूशन तो नहीं बताने वाला हूँ, एक ही सोल्यूशन बनता है जो कि कस्टमर केयर से बात करना, क्योंकि यहाँ पर और कुछ लोग बताएंगे फालतू सोल्यूशन जो कि यहाँ पर हो सकते हैं आपके फ़ोन में वर्क ना करें। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक लास्ट सोल्यूशन बचता है कस्टमर केयर का। उससे पहले एक और काम कर सकते हो, आप क्या करना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे मिलता है सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। नीचे आपको मिलेगा अबाउट, यहाँ पे आइए और यहाँ पर प्ले स्टोर वर्जन पे नीचे आपको मिलेगा अपडेट प्ले स्टोर। यहाँ पर हो सकता है कि आपने प्ले स्टोर को अपडेट ना कर रखा हो, यहाँ पर जो है वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है अपडेट, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अपडेट है तो आपके सामने आ जाएगा गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, अंडरस्टूड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कस्टमर केयर से बात करना। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करना होगा, सिंपली हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप कर दोगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं क्या करना है, नीचे आना है, आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखना होगा रिडीम कोड प्रॉब्लम। जैसे आप करोगे आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, कांट रिडीम गिफ्ट कार्ड। अभी ऑप्शन आपके सामने तभी आएगा जब ये रिडीम कोड प्रॉब्लम लिखे हुए हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कम्युनिटी आ रहा है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑप्शन में दो तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो होता है ईमेल का, और साथ में होता है एक चैट का ऑप्शन। चैट का ऑप्शन आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा चैट का ही ऑप्शन है वो लगभग जो है मतलब, तो शाम को तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, दोपहर या फिर सुबह के टाइम आपको चैट का ऑप्शन ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। साथ में चैट्स का ऑप्शन जो है आपको कुछ देर के टाइमिंग मिल सकती है, फिर आपको ऐसे फ्री मिल जाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आप गूगल प्ले स्टोर के बंदे से चैट कर पाओ। ईमेल तो बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप चैट करना चाहो आपके पास अवेलेबल है तो जरूर से चैट करिएगा। ठीक है, चैट करने के बाद जो है आपको सब कुछ इंग्लिश वगैरह में आपको बताना होगा अपनी प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जैसे आपके सामने कम्युनिटी आ रहा है, तो कम्युनिटी में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपको सबसे ऊपर तो रिडीम कोड प्रॉब्लम लिखना है,
उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एरर आ रहा था वो आपको लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आपको गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, जब का एरर है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे आपको नीचे कैटेगरी मिलता है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर परचेज पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना प्लेटफॉर्म कौन सा भी आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर मैं एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉइड सेलेक्ट कर देंगे। नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे जो है आप प्ले स्टोर को क्या बताना चाह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कोई इशू वगैरह यहाँ पर बता रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स एन इशू प्रॉब्लम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो है इसको फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिडीम कोड प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले नेम जो शो होगा प्ले स्टोर वालों को आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और जो आपकी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दी जाएगा, आप इसलिए रिडीम कोड को रिडीम कर पाओगे। हो सकता है कि वही रिडीम कोड आपसे गूगल प्ले स्टोर टीम मांगे भी, तो आपको उस रिडीम कोड को दे भी देना है, ठीक है। तो गाइस यही इसका सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।